हम इस समय सुभाष चौक रानीखेत में हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं श्री राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, जो कि व्यापारी हैं और एक अच्छे खासे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो हम मुखातिब हैं पांडे जी की तरफ और उनसे पूछना चाहते हैं कि रानीखेत ज़िले के बारे में आप क्या सोचते हो और ये कैसे बनेगा। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि रानीखेत का ज़िला कैसे बनेगा, यह तो पहले ही घोषणा की जा चुकी है, किंतु समझ में नहीं आता है। इतने लंबे अरसे के बाद भी अभी तक रानीखेत ज़िला नहीं बन पाया, जबकि रानीखेत ज़िला बहुत बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। और देश की राजनीति के बीच में हमारा रानीखेत का ज़िला पिछता जा रहा है, जबकि इसकी घोषणा हो चुकी थी। रानीखेत का ज़िला बनाने के लिए ज़िला बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ का सारा कारोबार आदि जितना भी है सब कट के रह गया है, क्योंकि रानीखेत एक पर्यटक स्थल है। यदि रानीखेत का उत्थान नहीं हो पाएगा तो उसके समीपवर्ती इलाकों में भी रानीखेत का उत्थान नहीं हो सकेगा। जहाँ तक सवाल है कि रानीखेत को ज़िला क्यों बनाया जाए, रानीखेत एक सेंटर प्लेस पड़ता है हर जगह से, कहीं से भी जाएँ, चाहे गैरसैंण के लिए जाया जाए या पिथौरागढ़ के लिए जाया जाए या मतलब दूर समीपवर्ती इलाकों में कहीं भी जाया जाए, रानीखेत एक सेंटर एरिया पड़ने के कारण, यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होने के कारण और ज़िला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसके लिए ढांचा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार बनी पड़ी हैं, सिर्फ एक जिलाधिकारी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर होना रह जाता है। अगर वो हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है बिल्कुल हर तरीके से तैयार है, इसमें सबसे कम बजट के अंदर में रानीखेत ज़िला बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अतिरिक्त जो है कि हमारे उत्तराखंड सरकार के ऊपर में कोई भी भार नहीं पड़ सकता है, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ से जो है रानीखेत ज़िला बहुत कम खर्चे पे बन सकता है। धन्यवाद। बस